Hello everyone, once again I Neha. Welcome you back to my YouTube channel, The Learning Channel. Today we are going to study and discuss the poem Bird Talk. So let's get started. Let's see the central idea of this poem. This poem basically इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू बर्ड्स सिटिंग इन अ गार्डन वेर इन दे आर डिस्कसिंग हाउ दे डिफर फ्राम ह्यूमन बींगा का सेंट्रल आइडिया सेंट्रल थीम ये है की दो बर्ड्स गार्डन में बैठी है और वो एक दूसरे से बात कर रही है वो ये डिस्कस करती है की बर्ड्स जो है वो ह्यूमन बींग से कैसे डिफर करते हैं कैसे डिफरेंट है और वो इस फैक्ट पर भी हंसते हैं कि बर्ड्स के पास पंख होते हैं जिनसे वे उड़ते हैं बट ह्यूमन बींग्स के पास नहीं होते डे चिल्ड्रन नाउ डू रीड द पोम विद मी थिंक सेट द रॉबिन थिंक सेट द जे सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे थिंक अबाउट द पीपल द वे दे ग्रो दे डोंट हैव फिद एट ऑल यू नो They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Dear students, now let's see the summary of this poem. In this poem, the poetess Alan Fisher describes two birds, robin and jay, talking about human beings in a funny way the birds are sitting in a garden and gossiping about human beings they wish each other to think about people human beings the two birds are surprised by the way how human beings grow up they think that people do not grow feathers and it is very funny to look at them without feathers the people have different outlooks from birds now dear children लेट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉम इन हिंदी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दो पेड़ हैं और दो बर्ड्स एक दूसरे से बैठे हुए उस पर बातें कर रहे हैं तो इनमें से एक का नाम रॉबिन है और दूसरे का नाम जय तो रॉबिन जे से कहता है थिंक सेट द रॉबिन एंड थिंक सेट द जे तो वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं सोचो सेटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे कब कहते हैं जब वो गार्डन में एक दिन बैठे हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में इंसानों के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं फर्दर दे से आगे वो कहते हैं क्या कि थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो दे डोंट हैव फिगर्स एट ऑल यू नो तो वो कहते हैं सोचो उन लोगों के बारे में जैसे वो बड़े होते हैं एंड उनके पास पंख भी नहीं है बिल्कुल भी पंख नहीं है क्या आपको पता है तो जब वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे हैं आगे वो कहते हैं दे डोंट ईट बीटल्स दे डोंट ग्रो विंग्स दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स वो आगे कहते हैं कि ना ही तो वो बीटल्स खाते हैं बीटल्स क्या है इंसेक्ट्स हैं ओके और ना ही उनके पंख होते हैं और ना ही उनको वायर्स पर यानी कि तारों पर और चीजों पर बैठना पसंद है जे एंड एक दूसरे से फिर से कहते हैं कि सोचो और वो ये कहते हैं कि क्या लोग मजाकिया नहीं होंगे इस तरह के इट मीन्स कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास ना तो विंग्स हैं ना ही वो बेटल्स खाते हैं और ना ही वो तारों पर उठना और चीजों पर उठना बैठना पसंद करते हैं यहाँ पर जो बर्ड्स हैं जो ह्यूमन बींग इंसानों और अपने बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरी और वीडियोस के लिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए